नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंदौर की फेमस शाही शिकंजी। तो शिकंजी का नाम आते ही आपके मन में ये आता होगा कि नींबू और पानी से जो हम नींबू निचोड़ के और शिकंजी बनाते हैं वो शिकंजी। पर ये जो शिकंजी है ये अलग तरह से बनती है। इसमें दूध और रबड़ी और दही का, दूध की रबड़ी बनाई जाती है और दही का चक्के का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए मैंने खाली कढ़ाई ली है और इसको अब मैं थोड़ा सा इसको गीला करके धो के साफ कर लूँगी। गीला इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो दूध हमारा है वो चिपकेगा नहीं। तो अब मैंने ये धो ली है कढ़ाई को और ये आधा लीटर दूध लिया है मैंने, फुल क्रीम वाला दूध है ये। इसको मैं इसमें रख रही हूँ और अब इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ और गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ। इसको अभी फ्लेम को फुल फ्लेम पे हम दूध को तपाएंगे और लगातार चलाएंगे। और इसके पहले, दूध के पहले मैंने ये जो दही है 1 कप दही लिया था, इसको मैंने इसमें ये जो चलनी है इसके अंदर ये कपड़ा रख के इसको रख दिया था। तो इसका ये पूरा पानी निकल गया है और ये दही का पूरा चक्का बन गया है। चक्के का मतलब यहाँ MP में चक्का बोलते हैं, दही का चक्का। तो ये बिना पानी वाला दही रह जाता है उसको चक्का बोलते हैं। और ये दही का पानी इसमें पूरा निथर गया है। तो अब ये पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिना पानी वाला दही है, इसको दही का चक्का बोला जाता है। अब इसके बाद फिर मैं ये रबड़ी बनाऊंगी। अब ये दूध में उबाल आ गया है, मैंने आँच को धीमा कर दिया है। अब हम हाई और मीडियम फ्लेम पर दूध को गाढ़ा करेंगे। और मैंने ये 4-5 केसर के धागे इसमें पानी में गला के रखे हैं, वो मैं इसमें केसर के कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ। और इसको अब हम लगातार चलाएंगे हाई और मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ये दूध नीचे ना चिपके। अब ये दूध हमारा हो रहा है गाढ़ा, तब तक मैंने ये जो है काजू और बादाम ये मैंने गला के रखे हैं, पानी में भिगो के रखे 2 घंटे पहले, तो ये अच्छे से भीग गए हैं। अब ये बादाम को हम छील लेते हैं। और ये दूध उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये दूध गाढ़ा हो गया है और इसको हमने लगातार चलाया है और रबड़ी की तरह इसको गाढ़ा कर लिया है। अब ये दूध जब ठंडा होगा तब और गाढ़ा हो जाएगा। ये आधा किलो का 200 ग्राम दूध, 200 ग्राम से भी कम, 125 ग्राम दूध रह गया है। ये दूध अब ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमने दूध की जो रबड़ी बनाई है वो बाउल में निकाल के ठंडा कर रहे हैं। अब ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम मिक्सर में जो चक्का है और जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हम पीस लेते हैं। अब ये जो चलनी में कपड़े में हमने जो दही बांधा था ये बिल्कुल इसका पानी निथर गया है और बिल्कुल गाढ़ा हो गया है ये दही। तो अब हम ये दही इसमें मिक्सर में, मिक्सर के जार में डालेंगे। ये हमने बादाम भी, ये बादाम भी छील ली है, 4-5 बादाम हैं। और ये काजू, इनको काजू और बादाम को मिक्सर के जार में डाल रहे हैं और इसमें अब ये दही डाल रहे हैं। ये जो दही है ये पूरा इसमें डाल देते हैं और इसको पीसेंगे। ये मैंने जार में डाल दिया है। अब ये स्वाद अनुसार आप जैसी भी शक्कर खाना चाहे उस हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी 3 टेबल स्पून शक्कर डालूंगी। ये मैंने इसमें 3 टेबल स्पून शक्कर डाल दी है। अब इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। अब हम ये मिक्सर में ये दही को, अब
दही बहुत गाढ़ा था तो इसी में चिपक गया, तो इसमें हम थोड़ा ये जो रबड़ी वाला दूध है ये इसमें डालेंगे और अब इसको वापस से पीसेंगे। ये हमने शिकंजी पीस ली, ग्राइंड कर ली, और ये जो रबड़ी बची है वो इसमें हम डाल रहे हैं। ये बहुत गाढ़ा हो गया है और इसको भी थोड़ा सा है, इसको इससे बर्तन को भी थोड़ा सा बाउल को धो लेते हैं इसी से वापस से दूध से। अब ये हमारी शिकंजी, शाही शिकंजी तैयार है। अब हम इसमें बर्फ के क्यूब डाल रहे हैं। वैसे बर्फ के क्यूब अगर आपको जल्दी हो तो बर्फ डाल के और फिर सर्व कर सकते हैं, वरना इसको आप 1-2 घंटे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी मैंने जल्दी है सर्व करने की, इसलिए मैंने 4-4 बर्फ के क्यूब डाले हैं और अभी मैं इसमें ये शिकंजी भर रही हूँ। ये हमारी शिकंजी तैयार हो गई है और आप इसको इस तरह से बनाइए और ये इसका टेस्ट बिल्कुल शिकंजी का अलग होता है। और ये इंदौर में इंदौर की प्रसिद्ध शाही शिकंजी है और इसको अब मैं इसे पिस्ते से गार्निश कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ कोई किशमिश पसंद नहीं करता है इसलिए मैं किशमिश नहीं डाल रही हूँ, और 2-4 केसर के धागे डाल दूंगी। तो यदि आपको मेरा ये मेरे इसकी शिकंजी तैयार हो गई है, ये देखिए आप, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है ये शिकंजी और ये पीने में भी बहुत ही टेस्ट अलग लगता है। बस इसको इसकी टिप्स यही है कि जब आप दूध गर्म करें तो पहले बर्तन को धो लें और इसके बाद फिर इसको लगातार चलाएं और इसको गाढ़ा कर लें रबड़ी जैसा, और जो दही है उसको भी बांध कर कपड़े में चलनी में, एक चलनी में नीचे बर्तन रख के और चलनी में कपड़ा रख के उस पर दही रखे तो सारा पानी उसका निथर जाएगा। इसके बाद फिर आप इसको बनाएं तो ये बहुत अच्छी बनेगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो ये 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर और वह इसको हिला देती हूँ चम्मच से, इसलिए मैंने इसको वापस मिक्सर में डाल दिया। ये बहुत बारीक पाउडर है इसलिए मैंने इसको पीसने में नहीं डाला था। तो अब ये हमारी शिकंजी तैयार है, अब मैं वापस इनको गिलास में डाल रही हूँ। अगर जल्दी हो तो आप बर्फ के क्यूब डालें, और जल्दी नहीं हो तो आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि बर्फ डालने से क्या होता है शिकंजी पतली हो जाती है तो वो उसका रबड़ी का स्वाद खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपको जल्दी ना हो तो आप इसको बनाकर फ्रिज में 2-3 घंटे रख देंगे तो इसके बाद फिर ये शिकंजिया बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको मैं इससे गार्निश कर देती हूँ। मैं इसमें 2-3 केसर के धागे डाल रही हूँ ये गार्निश के लिए, मैंने केसर डाल दिए। अब ये हमारी शिकंजी तैयार हो गई है। अब आप अपना अनुभव शेयर करिए कि आपको ये शिकंजी कैसी लगी, और बताइए कि आप इसको बनाकर आपको कैसा अनुभव हुआ। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को, पसंद आया हो मेरा वीडियो शिकंजी का, इंदौर की शाही शिकंजी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।